ओके स्टूडेंट, तो जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रीवियस क्लास में मैं सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। हम लोगों ने सारा चीज फार्मूले के बारे में मैंने बोला था, डिस्कस कर लिया हम लोग, बस इस पे क्वेश्चन बचे हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है ना। मैंने फार्मूले सारे फार्मूला आप लोगों को बता रखा है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, कैसा होता है, कौन किसके अपोजिट होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है ना। अब इस लेक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं, सबका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम लोग कि इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक ही ईयर के क्वेश्चन कम से कम मैं लाया हूँ 7 to 8, 9 क्वेश्चन, एक दो कंसेप्ट है, फिर उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का काम करेंगे। समझ में अगर टाइम मिल गया तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन का टाइम मिल गया कुछ क्वेश्चन करेंगे। बट अगर नहीं मिला तो पहला काम हमारा यही है कि हमारे पास एक दो तो और छोटे छोटे कंसेप्ट उनके देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप लोग टैकल करोगे उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। बाकी वो भी क्वेश्चन ही हैं, वो भी हम लोग क्वेश्चन से ही देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नया काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चन ही है, उनको भी उन क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे देखेंगे, जस्ट प्रैक्टिस से देखेंगे और कुछ करेंगे नहीं, कुछ उसमें नया नहीं करने वाला है, ठीक है ना। कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट मैं फार्मूला ड्राइव करूँ फार्मूला, कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा आप लोगों को, ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आज ऐसा ही करते हैं, इसकी वजह से अगर ये खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं अवश्य आज ये खत्म हो ही जाएगा, ये तो मैं खत्म कर लूंगा। लगे हाइट एंड डिस्टेंस अगर शुरू हो जाता है ठीक है, नहीं होगा तो कल की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Find the value of sine square 10 degree plus sine square 20 degree plus sine square 70 degree plus sine square. इतनी वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है ए है 0, बी है 1, सी है 2 एंड डी है 3। ये ऑप्शन है ए क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कोई ऐसा तो स्टूडेंट नहीं बोल सकता कि सर इसमें से हमें ये वैल्यू नहीं बताया गया, कोई मतलब कि ऐसा कंसेप्ट बताया नहीं गया, इसमें सब कुछ हम लोगों ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बताया। अब देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना ही कैसे होगा, इसका आंसर ताकि प्रोसेस समझ लें, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा ताकि देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बेसिस सेकंड में आप लोग को दे सको, ठीक है ना। इसको देखते ही आंसर इसका दे सको, पहले इसका प्रोसेस देख। देखो इसको क्या कर सकते हम लोग, ये साइन स्क्वायर क्या है 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, करना कुछ नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, कॉस में चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इसको भी क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री कर सकते हो क्या। इन दोनों को मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नोड है इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अगर चेंज करें तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चेंज हो जाता है, एक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कैसे चेंज होगा, ये कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्वेश्चन बताऊंगा वहां पे भी यूज होगा। इसको मैं बहुत अच्छे से ट्रायंगल के थ्रू कोऑर्डिनेट के थ्रू मैंने इसको क्या किया डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना है, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 को मतलब कितना हो गया कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, राइट है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, जस्ट अभी आपने बताया कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, इसको रहने दो, अब प्लस ये क्या होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ऑप्शन सी राइट है, कुछ लोगों को ऑप्शन दिखाई देना, क्योंकि यही होता है
जब आपके अंदर कुछ चीजें पहले से जानकारी हो तो हम कुछ स्टेप करते हैं तो हमें आंसर दिखाई दे देता है, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को टू तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पक्के से पता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कर ले, 80 डिग्री वाले को एक साथ कर ले, 70 डिग्री वाले को एक साथ कर ले, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन प्लस स्टूडेंट अभी क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, बीच में आपका आवाज चला गया था। आवाज में वो क्या अशोक सर का कॉल आ गया था। अभी विजुअलिटी आप लोगों को सही है क्या, ये दुबला दिखाई दे रहा है क्या? सही है, प्रॉपर है। हाँ सर, प्रॉपर। ओके, तो देखो अब हमने बताया कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वन। वेरी गुड। मैंने क्या बताया था, इन इन दोनों केस में एंगल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी थीटा जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर थीटा डिफरेंट डिफरेंट है तो वन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 80 डिग्री, यहाँ पर भी 80 डिग्री है, दैट मीन क्या है, थीटा सेम है। आप कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। यहाँ से कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, वन। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, समझ में आया क्या? हाँ सर। सर किसी को प्रॉब्लम? हाँ सर। बोर्ड बहुत गंदा है सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बोर्ड साफ नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं है, बहुत ब्लैक ब्लैक, मतलब उसमें दाग धब्बे बहुत ज्यादा थे, तो साफ अच्छे से साफ कर दीजिएगा। हाँ, इसके बाद इस क्वेश्चन बस साफ कर देते। ओके ओके ओके, क्लियर। एक क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ सर। ओके, अब स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन करना है ना, देखो ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया कि मतलब ये किसी को कोई नहीं बता सकता कि ये चलो गलत है या क्या है, कैसे है। मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आपको ट्रिक बताओ ना, ताकि ये समझ में आए कि हाँ इसका आंसर इतना ही आया था, वैसे करते थे हर एक क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई कर, राइट है ना। ये तो हमारा बेसिक मेथड था कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो इसको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। देखो साइन और कॉस के केस में, साइन और कॉस के केस में अगर प्लस के साथ है, एडिशन समेशन है और स्क्वायर के साथ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, डिवाइड बाय टू करना, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, आंसर क्या करना है। साइन और कॉस के केस में, साइन और कॉस के केस में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर जो भी है ये प्लस में है या स्क्वायर में है, इनको कुछ भी नहीं करना है, इन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है, इन नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 काउंट कर लो नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। किसी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो बता। सर उधर साइन स्क्वायर 70 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम उसको 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं, मतलब आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। हाँ, जैसे कुछ लोग क्या कहे होंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, राइट है, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ, तो चाहे इससे कम्प्लीमेंट्री इसको सेम बनाओ चाहे इससे बनाओ, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा, क्लियर। समझ में आ गया तो नोट कर लो।
हो गया नोट करके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर साइन और कॉस के बीच में साइन कोई भी हो, प्लस या माइनस, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू, यही करना है? नहीं नहीं नहीं, प्लस के लिए करना, माइनस के लिए नहीं करना। ठीक है सर। रब कर दो। यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसका आंसर बता सको। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री इच। दिखाई दे रहा है ना, विजुअल है ना? दिखाई दे रहा है ना? देखो स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है ना, विजुअल है ना, पूरा ऊपर का दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, वो आपने साइन स्क्वायर 87 डिग्री लिखा है ना, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, लाइट आ रही है वहाँ पे? हाँ सर, और छोटा बहुत है इसीलिए। ओके, ये सब दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, बाकी दिख साइन स्क्वायर 87 डिग्री। आंसर कितना आया, किसी का आया क्या? सर 44 1/2 आंसर इज बी। बी वाला ऑप्शन, वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का? और किसी स्टूडेंट का?
बताओ स्टूडेंट, और किसी स्टूडेंट का बच्चे की क्या आंसर आया? और किसी का आंसर नहीं है? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं हो रहे हैं, या आपको एक कम्प्लीमेंट्री नहीं बनना है? देखो, इसने सबका कम्प्लीमेंट्री बना हुआ नंबर किया, 1 का 89 के साथ बनेगा, 2 का 88 के साथ बनेगा, 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ बनेगा, 5 का 85 के साथ बनेगा, ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है ना? सबकी वैल्यू 1-1 आएगी। अब उतना करने से बेटा है कि इनका अगर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो तो ज्यादा आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी काउंट करना कुछ भी मत करो, जो लास्ट वाला टर्म है ना, फर्स्ट वाला टर्म से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 89 में 1 से डिवाइड कर लो, 89 में 1 से डिवाइड कर लो। 89 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 89 ही आएगा क्या? यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 89 है। 89 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, और डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है, तो 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 44 1 बाय 2। सर, आपने 87 लिखा है या फिर 89 है? वो ये 87 है, 88 है, ये 89 है। सर वो 87 लिखा है, लग रहा है वैसे। हाँ सर, वो 87 लग रहा था। उस पर लाइट गिर रही है, इसके लिए दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, अब वहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, इधर लिख। सर इसको सबको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना होगा? 89 डिवाइड बाय 2। वही मैं सोचने लगा, लिमिट्स जैसा क्वेश्चन कैसे आ गया? नहीं समझ में आया? ओके, रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी वैल्यू होगी बताओ? मैं ऑप्शन देता हूँ, 2, 3, 5, 8 सर। 5 आया एक आंसर, और किसी का? फाइव आया, और किसी का? सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री नहीं है ना? नो 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 नो, जीरो है। अच्छा, 4.5 कितना? दैट मीन नन ऑफ दीज। फोर पॉइंट फाइव मतलब क्या? नन आ रहा है आंसर। क्या वो कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? ऐसे सारे क्वेश्चन में तो आपको कंफ्यूज होना ही चाहिए। देखो क्या करना है सर, मेरा तो 3 आ रहा है आंसर। कितना? 3 तो 3 ऑप्शन में तो है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? तो मतलब कॉन्फिडेंस में हो। नन ऑफ दीज वाले थोड़ा सा होता है कि आप 3 ऑप्शन को कट करके हम जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस। मैंने बताया ना कितना प्रॉब्लम होती है नन ऑफ दीज को आंसर करने के लिए, इसके लिए मैंने बताया कितना आप डेयरिंग होना चाहिए आपके पास कि नन ऑफ दीज को आंसर मार क्या हो। देखो क्या करना है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री,
यहाँ तक तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन जीरो के साथ किसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तब यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर लो, यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म ऐड करना है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? मैंने क्या बोला, या तो ऐसे लिख के लो, लिख के एक छोटा नंबर है, लिख के भी देख सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या तो क्या 80 में 10 से डिवाइड कर लो, 80 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा क्या? एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, 8, 8 में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अब प्लस एक कॉस स्क्वायर हुआ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सर, 1, प्लस क्या कर दोगे 1, अगर इसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 4, अब प्लस 1 कितना हो गया 5, सर ये मिस कर दिया था, समझ में आया क्या? नहीं इसको मिस करोगे आप लोग तो प्रॉब्लम तो होगी ना, समझ में आया क्या सर? फिर से बताओ ना। हाँ अगर नहीं समझ में आया इसको बोलो, अभी बहुत स्टार्टिंग है, सिंपल चीजें चल रही है, अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाओगे तो आपको लॉस है, विद इन सेकंड में क्वेश्चन होने वाले। सर पहले ऐसे ही किया था, फाइव आया था, फिर मैंने सोचा कि कंफ्यूज हो गए। हाँ सर अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हम इसको जीरो का काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि जीरो खुद एक स्टैंडर्ड एंगल है जिसका हम वैल्यू जानते हैं, जिसका वैल्यू हम जानते हैं, जिसका वैल्यू जानते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री उसका बने, जितने भी अगर एंगल्स आपके स्टैंडर्ड एंगल है उनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाओगे बताओ, 45 डिग्री या कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाओगे, जो भी बनाओगे फिर से 45 आएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री इनकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाओगे, इनकी वैल्यू खुद ही पता रहती है पहले, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे ना तो जैसे साइन कॉस में चेंज हुआ तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम होती है, राइट है क्या? और साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जब वैल्यू सेम आ रही है कोई मतलब ही नहीं बनेगा इनका, इनसे कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बनता है, स्टैंडर्ड एंगल से नहीं, जो अजीब सा एंगल दिखाई दे रहा है बस उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, पहला चीज ध्यान दे दो। अब यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 एंड कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का बनाएंगे, मैं बोला यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के लिए मैंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा एंगल है ना सबसे बड़े वाले एंगल में डिवाइड, लास्ट वाले में, तो मैंने क्या किया 80 में 10 से डिवाइड कर, 80 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना 8, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेंगे 8 टर्म्स बनेंगे, 8 टर्म्स बनेंगे, अब नंबर ऑफ टर्म्स पता हो गया था, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, यही तो करते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आ गया 4, आई प्लस 1 क्यों कर लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो भैया ये भी तो इंक्लूडेड है ना, जब ये इंक्लूडेड है तो इसकी वैल्यू क्या करोगे आप ऐड करोगे ना, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 इसमें ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ में आया क्या सर? वो भी तो cos square 0 भी तो नंबर, वो भी टर्म है ना, एक तो 9 डिवाइड बाय 2 ऐसा लिया था मैंने, हां तो वही तो गलती किया था ना आपने, 9 टर्म क्यों लोगे, एक बताओ इसकी तो वैल्यू खुद से पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या हो रहा है, इनका नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं क्या, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या, क्योंकि cos स्क्वायर 10 डिग्री को अगर चेंज करेंगे तो 80 डिग्री में चेंज हो जाएगा, राइट है क्या, sin 80 डिग्री में चेंज हो जाएगा, हां सर इसको चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये भी साइन 70 डिग्री में, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री को चेंज करोगे किसमें चेंज होगा, साइन 90 डिग्री में चेंज होगा, राइट है क्या सर? नहीं उसको चेंज नहीं किया था, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है वो 1 लिया था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आप बोल रहे हो ना, नंबर ऑफ टर्म्स सब काउंट करो जिनके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनते समय काम करते हो तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फिर से नहीं बन रहा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही, ठीक है सर, क्लियर? हाँ सर। अब किसी को नंबर ऑफ टर्म्स देखेगा सर इतना ही नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होता है, यहाँ पे देख सकता है छोटा सा नंबर है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री लिखाना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 80, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बने, 80 बने ना,
यही मैंने बता रखा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 8। समझ में आया क्या? सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आया क्या? हाँ क्लियर, यस सर। चलो रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इतना ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था ना सर? दिखाई दे रहा है, नहीं वो लाइट आ रही है ना इधर पे। इसकी वैल्यू बता नहीं कितना होगा सर? इसका भी 5 होगा। इसका भी 5 होगा, डायरेक्ट देख कैसे बता रहे हो आप लोग, थोड़ा देखो एंगल क्या है, कैसे क्या है। देखो आप लोग बताओ इसका, सर 10 कितना? सॉरी सर रॉन्ग हो गए। वो दिखाई दे रहा रॉन्ग है। कोमल आपको कितना रहा है सर? 10 10 नहीं 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 नहीं, आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो सर। 18 नंबर टर्म्स काउंट नहीं कर पा रहे। 18 देखो आपका सही है कुछ, लेकिन पूरा सही नहीं है। अच्छा आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब सोशल प्रॉब्लम्स मुझे यही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रही। जिनका कम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा उसको छोड़ दो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा उसको छोड़ दो, उसको कम्प्लीमेंट्री बनाने की जरूरत भी नहीं, उसकी तो वैल्यू हमें पता भी है ना साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। सर 85/5 करेंगे तो चलेगा क्या? वही करेंगे, चलेगा तूने दौड़ेगा सर, वही करना है ना स्टेप। 6.5 आ रहे हैं सर। सिंपल बात है, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे ही काउंट करेंगे हम। एक एक तो मैं लिख के भी दिखा दिया हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर करेंगे तो कितना आएगा। 70 आ रहे हैं सर। चलो देखो ये अभी इतना करना है तो आप क्या करोगे, 5 डिग्री से 85 डिग्री तक काउंट करोगे, 90 डिग्री को मैंने बोला फिर छोड़ दोगे। 90 डिग्री को राइट 9.2 पे राइट, ओके 9.2 राइट है। तो यहाँ पे क्या साइन इसको 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री एंड यहाँ तक आप काउंट करोगे नंबर ऑफ टर्म्स, साइन स्क्वायर 90 डिग्री को छोड़ दोगे। अगर यहाँ तक काउंट करना है तो क्या करोगे, 85 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 17 आएगा क्या? हाँ सर। तब क्या करो, इतने के लिए क्या करते हो आप, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक 17 है डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारा यहाँ तक का आंसर मिल गया। हमें यहाँ तक आंसर चाहिए था, प्लस कितना हो जाएगा,
वन का स्क्वायर इसका मतलब कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है, ये हो गया 19 बाई टू, डिवाइड करेंगे कितना 9 बाई टू, दैट मीन्स ए भी कर सकते हो 9.5, समझ में आया क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में मुझे तो, हाँ हाँ सर तो आ रहा है, लेकिन मैं लग रहा है कैसा फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है, लेकिन आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा आप लोगों का, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, एक क्वेश्चन और दो आप लोग हो जाएगा, कितने से, टू से डिवाइड नहीं किया था बस, अच्छा हाँ आपका 18 आया था, राइट राइट, हाँ टू से डिवाइड क्यों नहीं करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू तो करना पड़ेगा ना, मैं तो पहले ही बताया, ये तो एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया कंफ्यूज होने के लिए, ये तो एक्स्ट्रा डाल दिया कंफ्यूज होने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो कि सबको जो ऐड करो, अब इस तरह से स्टूडेंट क्या करेंगे, 17 ए प्लस 1 19 डिवाइड बाय 2 दैट मींस कितना हो गया 9 हो गया, 19 डिवाइड बाय 2 दैट मींस कितना हो गया 9, और आंसर गलत है, आंसर क्या है गलत है, इसको सॉल्व करके अगर हम लोग देखेंगे ना आंसर कितना आएगा 9.5 ही आएगा, समझ में आएगा, चलो रफ कर दो, देखो आज क्वेश्चन का ही सेशन है, ठीक है ना, सर जरा फिर से बताएं ना, सर जी फिर से बताएं ना, जो 90 के जो मतलब 85 क्यों लिया, 85 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि इनिशियल नंबर यहां पे कितना था साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है ना, यहां पे था लास्ट वाला क्या साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो हमने क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, तो आप क्या करो जो लास्ट वाला डिजिट है ना, जो भी एंगल था जिसका कम्प्लीमेंट्री बनना है, उसमें इनिशियल वाले नंबर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या था 5 था, यहाँ पे क्या 85 था, तो 85 में 5 से डिवाइड किया तो हमारा कितना गया 17, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे जो लिखा गया ना, ये डॉट डॉट लिखा गया, डॉट डॉट में डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, डॉट डॉट का मतलब ये होगा कि उसमें और सारे नंबर लिखे गए हैं, राइट है ना, तो टोटल कितने लिखे गए हैं नंबर, 17 नंबर लिखे गए हैं, तो 17 डिवाइड बाई 2 आप प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ कर दिया प्लस का, क्लियर, अच्छा ये सर अब थोड़ा टाइम से आप लोग बोला करो, रफ हो जाए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, तो फिर आप बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, ये सर ओके चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको बताओ, इसको तो आई थिंक मुझे लगता है जो दिमाग थोड़ा सा लगाएगा वो फटाक दे बता देगा, अनाए तो और किसी को बताने मुश्किल है, बताओ भाई, चलो क्वेश्चन लिखो, कॉस डिग्री इंटू ए कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू ये 30 नहीं है 3 डिग्री है, कॉस 117 है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक मुझे लगता है सबको, अब कोई कहेगा सर ऐसा क्वेश्चन तो आप बताए नहीं हो, अरे हमने सब कुछ बता रखा है, बस दिमाग लगाना आपका काम है, सर बी आंसर इसका 1, बी ऑप्शन आ रहा है 1 आ रहा है, और किसी स्टूडेंट का, मैं पहले ही बताया कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लाई में है, और किसी स्टूडेंट का आंसर आया पर ये मेथड मुझे पता चल गया, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करने कितना आया आपका, सही है सर सॉल्व कर रहा हूँ, कितना है 1 आया, नहीं नहीं सर, चलो मैंने अभी ना सॉल्व पे क्या एक्सप्लेन कर दिया, जैसे थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं ना वैसे करते हैं, फिर आप लोग 1 आएगा,
फिर आप लोग बताओ ना आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग बताओ आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। रेडियो ध्यान से सुनना। तो क्या है साइन कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, डॉट डॉट करते जाओगे, ऐसे करते लिखते जाओगे आप, तो कहीं पे कहीं ना आपको कॉस 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, बीच में मिलेगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये सारे नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है कि एडिशन है? मल्टीप्लीकेशन है, जीरो। आंसर कितना आएगा? जीरो। जीरो। आपको आपको स्टूडेंट कहेगा सर मुझे तो आइडिया नहीं। अब बताओ इसमें क्या था क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या था? इसमें कुछ देखना ही नहीं था हमें, आधा डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं देखना था, मल्टीप्लीकेशन था सिर्फ। हाँ सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन है, बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री मिलेगा। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। अब जीरो में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो बना ही देगा, राइट है क्या? समझा? हाँ सर। बिना सोल्यूशन का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ने किसी ईयर का पे क्वेश्चन आया हुआ है, काफी कॉमन सा फेमस सा क्वेश्चन। समझा क्या आप लोगों ने? समझा के अभी किसी को कंफ्यूजन है, किसी को वॉइस नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन। ओके सभी को समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। हाँ सर। चलो अब स्टूडेंट ना मैं सीजीएल का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये मुझे लगता है 19 का क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है ना। सारे 19 क्वेश्चन, सारे के सारे 19 क्वेश्चन है, सारे 19 के मेंस का क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है। चलो रेडी हो जाओ, आपको जितने क्वेश्चन करोगे उतना समझो कि कॉन्फिडेंस है आपको। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस में 100% रहो कि आपके सोल्यूशन, आपकी प्रिपरेशन अपना परफेक्ट चल रही है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रॉपर लग जा रहे हैं तो। ओके चलो अब आपके पास सारे फार्मूले जितना आपने देखा है, सारे आपके वेपन्स आप तैयार कर लो अपना, क्योंकि यूज होने वाला है। पहला क्वेश्चन, कॉस ए सेक के माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है टैन ए, बी है कॉट ए, सी है सेक ए, डी है साइन ए। बताओ आप लोग, कुमान स्टूडेंट आप लोग बताओ कितना आएगा? देखो सोचो बताओ, आप नंबर डाल सकते हैं यहाँ से सारे 2019 के क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी दूंगा सब 90 क्वेश्चन। अपने दिमाग की ना बत्ती जलाओ आप लोग, जो अपने दिमाग की लाइट होती है ना उसको जलाओ। आई थिंक मुझे देख लेना चाहिए इसी आंसर नहीं आया। चलो तो बूस्टअप कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा नडिया, इतना करने में आप लोग टाइम लोगे इसमें फायदा क्या? क्या क्या जरूरत है देखो, अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या जरूरत है आपको पता चल जाएगा। क्या है? कुछ भी नहीं, बस कन्वर्सेशन है, जैसे हम लोग अपना कन्वर्सेशन करते हैं ना आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, बस इनका कन्वर्जन है, इनका कन्वर्जन करो इनके अंडरस्टैंडिंग के साथ, बात खत्म, जो मैच हो देख लेते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉस ए रहने दो,
इसको से के को क्या लिख सकते हो, वन अपन कॉस से लिख सकते हो क्या, माइनस कॉस से। चलो पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम देता हूँ आप लोगों को। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, वन अपन टैन ए लिख सकते हो क्या, प्लस टैन ए होगा क्या यहाँ से कॉस ए, ये एलसीएम ले लोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वन प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा टैन ए आ जाएगा। देखो कॉस ए तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, अब वन प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है स्क्वायर ए होता है क्या, होल डिवाइड बाय कितना हो गया टैन ए हो गया। अब जैसे इतनी वैल्यू दिखाई दी आपको तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको रहने दो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, वन अपन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू वन बाई टैन ए। फाइनली क्या बन गया, कोसाइन अपन कॉस क्या होता है टैन होता है क्या, साइन अपन कॉस क्या होता है टैन होता है, दैट मीन्स कितना हो गया ये टैन स्क्वायर ए अपन टैन ए, एक टैन ए से एक टैन कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया टैन ए, फाइनल आंसर कितना आ गया टैन ए। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें स्टेप कितना अवॉइड कर सकते हो, यहाँ से ए वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना, ए वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हो, यानी वन टू थ्री तीन स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन मैं पूरा इसलिए बताया आपको ताकि आपका क्वेश्चन ए ने एराइज हो पाए सर ए वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि सब कुछ मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। मैंने क्या किया, सेक ए को आपको कन्वर्ट किया वन अपन कॉस ए, क्योंकि सेक ए जो होता है कॉस ए का क्या होता है अपोजिट होता है, दैट मीन उल्टा होता है, माइनस कॉस ए को रहने दिया, कॉट ए को लिख दिया वन अपन क्या टैन ए, क्योंकि कॉट ए क्या होता है टैन का क्या होता है अपोजिट होता है, तो वन अपन क्या हो गया टैन ए हो गया, प्लस कितना हो गया टैन ए हो गया। सेक कॉस ए ऐसे ही रहने दिया मैंने, कॉस ए एलसीएम लिया जब हमने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस ए, यहाँ पे टैन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपन क्या हो जाएगा टैन ए हो जाएगा। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हमें दिखाई दे रहा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट वन होता है, तो यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला आता है आइडेंटिटी का, इसका फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए का, हमने कर दिया यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले हैं सारे, अपन क्या बचा टैन ए बचा। अब मैंने बोला कि सेक स्क्वायर ए को कॉस कॉस में चेंज करना चाहते हैं, तो कॉस का क्या होता है अपोजिट होता है सेक, तो साइन स्क्वायर ए अपन हम लोग क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू वन अपन टैन ए, साइन अपन कॉस क्या होता है टैन, तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए अपन टैन ए, टैन ए से एक टैन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एक टैन ए बचेगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है ए वाला ऑप्शन है। समझ में आया किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आ गया तो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या हुआ इतना शांति क्यों हुआ आज, रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, तो आप लोग तो रिप्लाई एटलीस्ट करो, इतनी शांति से रहोगे आप लोग तो इतनी एनर्जी मेरी गायब हो जाएगी, ये तो मॉर्निंग का टाइम है वैसे भी नींद बहुत आती है।
हो गया नोट? हाँ सर। आज वॉइस कहाँ गए? इतनी वॉइस नहीं आ रही किसी। सो गए क्या? अगर इस तरह से आप लोग सो गए तो मुझे भी नींद आएगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो सबसे खराब टाइम होता है जगने के लिए। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ cot r is equal to 1/3, then what is the value of, then what is the value of sec p cos r plus sin p divide by cosec r sin r minus cosec p, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 2/3, बी ऑप्शन है -2/3, सी ऑप्शन क्या है -2/7, और डी ऑप्शन है आपके पास 2/7। ये चार ऑप्शन है, ये भी आपका 19 का ही है मेंस का। चलो इसको देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को देखो, ये तो क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा, जिन लोगों का क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग से क्लास नहीं अटेंड किया ना, वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग क्लास नहीं अटेंड किया, इसमें कुछ चीजें स्टार्टिंग की हैं, कुछ लास्ट की हैं, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड हुई है, ठीक है ना? ये चीजों को आपको माइंड करना पड़ेगा। जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, वो लोग क्वेश्चन को समझे कि कहाँ से क्या हो रहा है, बस इस चीज को समझो। जो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ वो नोट कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे रीजन में नहीं बताने जाऊंगा, क्योंकि इसमें रीजन बताऊंगा तो मैं जो स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास अटेंड किया ना उनका लॉस होगा, तो उनका लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं? चलो देखते हैं फिर। कितना आया? -2/7। तो सोए क्यों? फिर
से बताओ फटाक आंसर क्या होगा मैक्सिमम। तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना है सर, डायरेक्ट आप बता सकते हैं आंसर। डायरेक्ट मैंने करने का तरीका बता रखा आपको, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। पहले तो इतना सा जानते ही हो कि अगर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा ही होगा। ये क्या अगर पी क्यू आर हो गए, यहाँ पे ए वाला एंगल दिया हुआ आर, अगर एंगल आर दिया हुआ है तो क्या होगा, एक कॉट 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 वन बाई थ्री, कॉट वन बाई थ्री मतलब क्या, बेस अपन हाई परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, यानी ये थ्री होगा तो ये कितना होगा वन, राइट है क्या, बेस अपन परपेंडिकुलर। अगर ए एंगल लोगे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये बेस अपन परपेंडिकुलर दैट मीन थ्री अपन वन, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा रूट में टेन हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रूट में क्या होगा टेन होगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन का स्क्वायर टेन, तो रूट में टेन हो जाएगा, राइट है ना, ये हाइपोटेनस आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू है डायरेक्ट रख दो सेक पी, दैट मीन पी, अब ए वाला एंगल जब लोगे, अब जब ए वाला एंगल लोगे तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, आप ए वाला एंगल जब लोगे, ए वाला एंगल को कंसीडर करोगे, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा वन, ये बन जाएगा। अब बेस क्या बनेगा, ये बनेगा, तो आप जानते हो कि सेक पी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन सेक इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है, हाइपोटेनस कितना है रूट में टेन, अपन बेस कितना है, इस एंगल के लिए बेस कितना है थ्री है, ब्रैकेट में कॉस आर, जब ए वाला एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर ये बेस ही है, कॉस आर यानी बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनस से वन अपान रूट में क्या हो जाएगा टेन, प्लस साइन पी लोगे तो यानी परपेंडिकुलर अपान, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपान क्या होगा हाइपोटेनस वन अपान रूट में टेन हो गया, डिवाइड बाई कोसेक आर, कोसेक आर यानी ए एंगल ले रहे हो तो कोसेक आर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस मतलब रूट में टेन अपान थ्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन आर, साइन आर का मतलब क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस थ्री अपान रूट में टेन, माइनस फिर क्या होगा कोसेक पी, कोसेक पी यानी ए वाले के एंगल के साथ लेना है तो कोसेक पी इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस रूट में टेन अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है वन है, डिवाइड बाय क्या हो गया वन, देखो ए वैल्यू से ए वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा टू बाय रूट टेन बचेगा, यहाँ पे डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचेगा रूट टेन का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री माइनस टेन डिवाइड बाय रूट का टेन, रूट टेन से रूट टेन कैंसिल हो गया तो कितना हो गया माइनस टू बाई सेवन आंसर, माइनस टू बाई सेवन आंसर, समझ में आया क्या। देखो ये कोई कंसेप्ट का सेशन नहीं चला, मैं पहले ही बताया, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने बताया, ये सारी चीजों में मैं प्रॉपर क्वेश्चन कराया हूँ, प्रॉपर कंसेप्ट बताया हूँ, सब कुछ प्रॉपर, एक एक क्वेश्चन का एक एक कंसेप्ट का मैंने एक क्वेश्चन भी कराया इससे, सब कुछ करा के तब हम लोग डायरेक्ट इससे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने ना सारा ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे, बस हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ के, तो हाइट एंड डिस्टेंस का मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ आपको, जो इतना ही आपने पढ़ा है ना उतना ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आया क्या। हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नोट कर लो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ध्यान दो 19 को क्वेश्चन है आपके, और 19 मतलब क्या रिसेंटली क्वेश्चन, 20 का तो एग्जाम हुआ ही नहीं था, 19 का एग्जाम ही हुआ है, तो जस्ट एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन, अगर ये चीज नहीं पसंद है आप लोगों को तो मैं नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट टॉपिक से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, दो चार क्वेश्चन इस पे जैसे बताता चलता हूँ वैसे खत्म करके हम लोग काम कर ले जाएंगे। हेमंत आपको क्लियर हो रहा है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। चलो देखो, जिन लोगों ने पढ़ा उनका आंसर भी आ रहा है, जो लोग नहीं पढ़े उनका आंसर नहीं आ रहा है। बट आंसर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम है, ये तो मान लो। अगर आपके पास सलूशन है उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन what is the value of then what is the value of 2 cosec 3a by 2 plus 6 sin square 3a minus 3 by 2 tan square 3a की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7/4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 17/2। बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो गया, बट ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले बताया था, मैथ एडवांस मैथ में लॉजिक है, बस लॉजिक आपको क्लियर है, आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं। इसी स्टूडेंट का देखो,
किसी का नहीं हुआ, चलो देख लेते। जब भी इस टाइप के कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, हमें ऐसा आंसर फाइंड आउट करना है, इस टाइप के इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट करना है, हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना होता है। ये साइन है, यहाँ पे कॉस है, ये चाहे आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, ताकि दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाए, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाए, बस इतना ध्यान देना है। तो देखो चेंज करने का मतलब, यहाँ तो कुछ वैल्यू है नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है, जो कितना है 10, जो कितना है 10, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 80 डिग्री माइनस a, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने बस इतना लिख दिया, इस पूरे पोर्शन को मैंने लिख दिया 90 माइनस 80 डिग्री माइनस a, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना हो जाएगा 10 डिग्री, 10 डिग्री प्लस ए, एंड दैट मीन्स ए वैल्यू आ गई। क्या इतना कर सकते हैं क्या, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो बस हम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या हुआ स्टूडेंट, आंसर तो यही है, एक ही स्टेप का यही तो मेन स्टेप था। ये आपको समझ में आया कि नहीं, इम्पोर्टेंट ये है। क्या हुआ, किसी को नहीं समझ में आया? नहीं सर। स्टूडेंट वॉइस आ रही है क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये बताओ। नहीं सर, फिर से बताए ना सर। तो हमने क्या किया, ए प्लस 10 डिग्री को हमने चेंज कर दिया, इसको लिख सकते हैं क्या, 90 में से अगर 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 90 डिग्री में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, अब प्लस टी कर लेंगे। हम 90 पे क्यों जाते हैं, क्योंकि 90 पे हमारी वैल्यू चेंज होती है, हमारी वैल्यू 90 पर 180 पे 270 360 के बारे में हम लोग जानते हैं, इस पे वैल्यू चेंज होगी या ना चेंज होगी, इस पे वैल्यू हमारी कुछ डिफाइंड होती है, इसलिए हम लोग 90 जा रहे हैं। अगर 90 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें आप प्लस ए कर दें, तो हमारा सेम चीज हो जाएगा क्या, फिर से 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस ए सेम चीज आएगा क्या, राइट है? फिर 90 डिग्री यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री माइनस ए आ जाएगा क्या, इतना आएगा क्या? अब ये चीज समझ में आया क्या? यस सर। अब ए प्लस 10 डिग्री की जगह पे, ए प्लस 10 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 80 डिग्री माइनस ए, 90 माइनस 80 डिग्री माइनस ए। अब आप बताओ कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा दैट मीन्स कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री या माइनस का ही। अब देखो साइन यहाँ पे भी साइन यहाँ है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री या माइनस का ही, a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री, दैट मीन a की वैल्यू कितना आ गई 20 डिग्री आ गई क्या, a की वैल्यू 20 डिग्री आ गई क्या, जैसे ही a की वैल्यू 20 डिग्री आ गई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू डिग्री पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या है, 2 cosec 3 into 20 divided by 2 plus 6 sin square 3 into 20 degree minus 3 by 2 tan square 3 into 20 degree। अब आप बताओ यहां से इसको 2 से कैंसिल करोगे कितना होगा, 10 आ जाएगा, 2 cosec 30 degree बनेगा ये, प्लस ये क्या होगा 6 sin square 60 डिग्री बनेगा, माइनस 3 बाई 2 टेन स्क्वायर
60 डिग्री। अब ये सभी वैल्यू आपको आइडिया है क्या, इनकी सबकी वैल्यू आपको पता है क्या? तो देखो टू कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टू होती है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टू होती है, प्लस सिक्स। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, रूट 3/2 होती है, होल स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है क्या। ए वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 3 बाय कितना हो गया 4, माइनस 3/2 इंटू 3 हो गया, राइट है। 2 से इसको कैंसिल कर लो आप तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, फाइनली बचेगा 4 प्लस 9/2 माइनस 9/2, वैल्यू कितने आ गए, 4 आ गए। क्या आंसर कितना आ गया? तो मेन स्टेप जो था इस क्वेश्चन का, अगर किसी स्टूडेंट को रियल में समझ रहा है तो उसको दिखाई दे रहा होगा मेन स्टेप यही। अगर ये स्टेप जैसे आपको दिखाई दे दिया उसके बाद तो आपको एंगल ए दिखाई देगा, एंगल ए जैसे ही मिलेगा फिर यहाँ पे पुट करते जाओ आपको स्टैंडर्ड एंगल मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड एंगल की आपकी वैल्यू पता है पहले से, उन वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया क्या, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ओके नोट कर लो आप लोग, थोड़ा ऐसे बोलते रहो आप लोग, नहीं तो फिर पूरा एनर्जी गायब कर दोगे। नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ हमने कर रखा है पहले से।
हो गया क्या? हाँ सर। आज रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का? हो गया, नोट हुआ, नहीं हुआ? आज वैसे ही सो के आ गए हो आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिवाली हुआ साइन स्क्वायर 38 डिग्री, एक स्क्वायर 52 डिग्री, कॉस 64 डिग्री, साइन 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री डिवाइड बाय टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 40 स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 6 स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 4 स्क्वायर 67 ऑप्शन है आपके पास माइनस 3/2 बी ऑप्शन है 3/2 सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है माइनस। इस क्वेश्चन को देखो, इसका देखो आंसर कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर? इसका आंसर देखो, ये देखो किसी का हुआ क्या? रुको ना। ओके
चलो किसी का नहीं हुआ, देख लेते हैं फिर। देखो क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको कैसे, हाँ कितना है? -3/2 आई थिंक राइट है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे देखते हैं हम लोग, कि जब भी इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो जाना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, आपको 2 साइन को रहने दो 30 डिग्री। देखो साइन को उल्टा कॉस होता है, कोसेक होता है, और सेक को अगर चेंज करेंगे तो कोसेक में चेंज होता है। हम लोग ऐसा लिख सकते क्या, सेक स्क्वायर 90 डिग्री या -38 डिग्री, 90 डिग्री -38 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हम लोग, कॉस 64 डिग्री इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री -64 प्लस साइन स्क्वायर 64। अब यहाँ पे हमने 64 क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर 64 डिग्री। अगर ये भी कॉस स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा तो ए या ये दोनों मिलकर कितना जगह 1 हो जाएगा, मैं दिखाई दे रहा है, हमने इसीलिए सेव कर दिया। ओके अब यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम रहते, ये एंगल और ये एंगल सेम रहते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट ना, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। सिमिलर अगर ये 67 और 23 सेम रहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस लिख सकते हैं 67 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस 67 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, ऐसे ही रहने दो। तो फाइनली बना क्या, 2 यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 38 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट मीन कॉस कितना हो जाएगा 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री डिवाइड बाई टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, दैट मीन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, दैट मीन क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर 67 डिग्री। यहाँ पे इसको रहने दो, सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखो ये तो एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे क्या अपोजिट है, क्योंकि साइन और कोसेक क्या क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दैट मीन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री डिवाइड बाई क्या बचेगा, इन दोनों को एक साथ कर लो, यहाँ से क्या कर सकते हो कि माइनस कोसेक स्क्वायर 64 डिग्री 67 डिग्री फिर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। सिमिलर सेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 67 डिग्री राइट है, ठीक है, हो जाएगा 2 प्लस। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला से 1 होता है, ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, यहाँ फिर से माइनस कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 67 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ गई, ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला से 1 होता है, क्योंकि क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है, पहले नीचे लगाया माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू इसका क्या हो गया, समझ में आया क्या? यानी यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किया, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से पढ़ा इस चीज को, मैंने प्रॉपर चीजें समझाया इसको। चलो नोट कर लो आप लोग, नोट करो आप लोग। नोट हो गया? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इसको देखो आप, इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2019 के। हुआ क्या किसी का? ऐसे का नहीं चलो देखते हैं। चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, एक टैन थीटा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टैन थीटा माइनस टैन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ऊपर का काम खत्म, नीचे का कर लो, वन माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में टैन थीटा सेकेंड ब्रैकेट में, वन प्लस टैन थीटा सेकेंड ब्रैकेट में, इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, वन अपन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा आएगा। इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इतना चेंज करते हैं हम लोग, इसका बस मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पे साइन और कॉस में, इसको चेंज कर दिया और कुछ तो साइन थीटा ये क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यही तो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो टैन थीटा प्लस वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है कॉमन है ना, इस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा वन प्लस साइन थीटा, इसको इसके साथ लगा दो, वन प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ओके यहाँ पर रख दो टैन थीटा और क्या है वन प्लस टैन थीटा, देखो वन प्लस टैन थीटा से वन प्लस टैन थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, वन प्लस टैन थीटा से वन प्लस टैन थीटा तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचा साइन थीटा अपान, अच्छा देखो वन माइनस साइन थीटा है वन प्लस साइन थीटा है, दैट मीन ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू वन अपान टेन थीटा तो बचा ही है, इसको रहने देते हैं। ये क्या आ जाएगा साइन थीटा अपान, अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी फार्मूला होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू वन अपान टेन थीटा। देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इंटू वन अपान टेन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा वन, वन क्या हो गया इसका आंसर हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आप लोगों को? स्टूडेंट क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ये चीज क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? कैसे मैंने किया यहाँ पे, बस इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, बस इसको साइन और कॉस में चेंज किया, फिर सिंपलीफाई किया है, बाकी आंसर आ गया। समझ में आप लोगों को? नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया नो, नोट हो गया स्टूडेंट? नो सर। ओके हो गया नोट? हाँ सर। ओके तो आज के लिए इतना ही रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना कल की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को हो सकता है पीछे छूट जाए, हाइट एंड डिस्टेंस में बताऊंगा जिसमें साइन कॉस टैन का यूज नहीं करूंगा,
विदाउट साइन कॉस टैन का यूज किए ही आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे. आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.